सो हाय एवरीवन, तो चलिए स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का ऐप की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, जैसा कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर रहे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे बार बार ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे ठीक करेंगे, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को बार बार यहाँ से ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, सेट डेट एंड टाइम, योर सिस्टम क्लॉक इज़ इनकरेक्ट, प्लीज़ सेट योर क्लॉक टू द करेंट डेट एंड टाइम। ये बोल रहा है कि आपके फ़ोन में जो डेट और टाइम का ऑप्शन होता है उसमें कुछ गड़बड़ी होने के कारण आप लोगों को बार बार यहाँ पे ये फीचर देखने को मिला है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी सेटिंग करनी है अपने फ़ोन में, जिससे कि आप लोग आसानी से पोषण ट्रैकर ऐप पे काम कर सकते हैं। तो वो सेटिंग क्या है, चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से हम पोषण ट्रैकर ऐप से बैक आ जाएंगे, ठीक है। बैक आने के बाद आप अपने फ़ोन में सेटिंग को ढूंढिएगा कि सेटिंग का ऑप्शन कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से सेटिंग का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, या फिर आप लोग ऊपर से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेटिंग का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है डेट और टाइम, ठीक है। यहाँ पे डेट और टाइम लिखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे डेट और टाइम का जो ऑप्शन है आपके फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसे भी आप लोगों को डेट और टाइम का जो ऑप्शन है वो नहीं देखने को मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे सिस्टम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट और टाइम का जो ऑप्शन है यह हमें देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम डेट और टाइम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे टाइम, ऑटो टाइम सेट, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को अपने से जो है डेट और टाइम को सेट करना होता है। तो यहाँ पर डेट पर क्लिक करेंगे और जो आज का करेंट डेट है उसको यहाँ पे सेट करेंगे, और यहाँ पे फिर अभी का जो करेंट टाइम है उसको यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को बार बार ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप पे आज तो सेटिंग कर लेते हैं फिर बाद में भी आपको ऐसा ना दिखे, इसके लिए आपको क्या करना है, सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली का जो ऑप्शन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप लोगों को ऑन कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो 24 आवर्स फॉर्मेट है इसको भी आप लोगों को यहाँ पर चेंज कर लेनी है। यहाँ पर देख सकते हैं दो सेटिंग आप लोगों को और भी करनी है, 24 आवर्स का जो फॉर्मेट है इसको आप लोग यहां से ऑन कर लीजिएगा, और यहां पे सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली का जो ऑप्शन है इसको भी आप लोग ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इतना सेटिंग करने के बाद अब आप लोगों को आपको अपना पोषण ट्रैकर ऐप इस प्रकार से ओपन करना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन किया लेकिन हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। देखिए, ये जो सेटिंग की गई है इस सेटिंग से 99% तक जो आप लोगों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर इस प्रकार से सॉल्व नहीं होती है तो आपको क्या करना है कि अपने पोषण ट्रैकर ऐप को इस प्रकार से 2 सेकेंड के लिए दबाए रखना है और इसको आप लोगों को एक बार ऑन इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से प्ले स्टोर में आपको आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना है कि पोषण ट्रैकर लिख के सर्च कर लेना है और एक बार फिर से आपको पोषण ट्रैकर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। देखिए, जितना मैंने आपको सेटिंग बताया वो सेटिंग करने के बाद 99% जो है आप लोगों का यहाँ पे ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, पोषण ट्रैकर ऐप को एक बार ऑन इंस्टॉल कर देना है और फिर से इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इससे जो है कि आपकी 100% जो है यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप ओपन होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर ऑन इंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पोषण ट्रैकर ऐप को इस प्रकार से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ फीचर दिखाई देगा, यहाँ पे आप लोगों को एरो पे क्लिक करते जाना है, ठीक है। एरो पे क्लिक करते जाने के बाद यहाँ पे डॉन कर देना है और आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के लॉगिन कर लेना है। चलिए हम लॉगिन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर और एमपिन डालेंगे उसके बाद यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप बोलेगा आपका लोकेशन को अलाउ करने के लिए, तो आपको यहाँ रहना है वाइल यूजिंग दिस ऐप पर क्लिक कर देना है या ओनली दिस टाइम पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से लॉगिन कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉगिन वाले पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप लोग जैसे ही ऑन इंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो वाइल यूजिंग दिस ऐप पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंक कर रहा है आपका डाटा जो है, यहाँ पे सिंक करके इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाया हूँ। इस प्रकार से आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप की जो ये प्रॉब्लम है आसानी से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा पोषण ट्रैकर ऐप यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आप लोगों को बार बार इस प्रकार से जो सेटिंग है वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार आप सेटिंग कर देंगे तो यहाँ पे बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, और इस वीडियो को जितना हो सके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।